मुश्किल था मेरे लिए वहाँ पे अपना रोना कंट्रोल करना एक पॉइंट के बाद और मुझे बस भागना था शार्क टैंक से कि मैं नेशनल टेलीविजन पर रोना दूँ मैं पूछती हूँ विनीता से एक लिपस्टिक बेचने में क्या डिफ्रेंशिएटर है एंड कमेंट सेक्शन में भी ये बात लोगों ने बोली थी तो वॉज इट जस्ट कि वो कट करके यूट्यूब पे ऐसा दिखा या फिर एक टेंशन इन दर था पॉइंट आ गया था वहाँ पे जहाँ पे विनीता बोली जा रही थी बोली जा रही थी दस बार सेम चीज कि ठीक है मेरी पैकेजिंग अच्छी नहीं है पर मुझे मौका तो दो बोलने का समथिंग सिमिलर जो रिकॉर्ड के साथ हुआ समथिंग सिमिलर जो हैमर के साथ हुआ कि जब भी किसी शाख का कॉम्पिटिटर आता है तो अचानक से थोड़ा सा ना टेंशन इन दर होती है तो डू यू नाउ थिंक कि अगर आपका एक ऐसा ब्रांड है जिसका कॉम्पिटिटर शाख है तो आपको जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपको तो वहाँ पे नेगेटिविटी सारी मिल जाएगी तो आपके दिमाग में कौन था वो ड्रीम शाक कि मेरे को ये चाहिए और कौन था कि ये शायद मेरे को नहीं चाहिए सच बताओ बट फेस योगा से होता क्या है फायदा क्या है फेस योगा से ये फायदा है आपके जो एक्ने है आपकी जो पिगमेंटेशन है आपकी स्किन डल है डिहाइड्रेटेड है आप कुछ भी प्रोडक्ट लगा लो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा या हमारे कान के पीछे ये जो एक पॉइंट है ये एस जे पॉइंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे हमारे फेस का मैक्सिमम स्ट्रेस स्टोर होता है अगर आप इसको तीस सेकेंड तक रोज प्रेस करेंगे आपका एक्ने रिड्यूस होने लग जाएगा सो इज इट सेफ टू सेन मेक यू मोर मेरे जैसे एक एवरेज मेल को या किसी एवरेज फीमेल को कौन से बेसिक स्किन केयर रोटीन्स फॉलो करने चाहिए सो so, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाउंडर से जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑन्ड्रोपनोर भी है जिन्होंने सिर्फ तीन से चार साल में थट्टी करोड़ का एक ब्रांड क्रिएट कर दिया इनका पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इनका शार्क टैग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेटर स्वीट था शार्क टैंक के कारण इनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और इनके सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए पर एट द सेम टाइम पिचिंग के टाइम पर इनके जो शार्कस के साथ इंट्रैक्शन थे वो थोड़े से बेटर थे मैं बात कर रहा हूँ हाउस ऑफ ब्यूटी की फाउंडर विभूति अरोड़ा की नॉट मेनी पीपल नो कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन ऑन्ट्रप्रनोर आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो आपके इंस्टाग्राम पे अभी वन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फॉलोअर्स है एंड अक्रॉस ऑल योर पेजेस आपके वन मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं पॉइंट फाइव मिलियन थैंक यू सो हाउ डिड एन इन्फ्लुएंसर बिकम एन ऑन्ट्रप्रनोर यहाँ पे सो एक्चुअली आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर ओके माई जर्नी आई एम एन ऑन्ट्रप्रनोर ऑलवेज बिन अ सीरियल ऑन्ट्रप्रनोर I just came ahead टिंग अबाउट हु वी आर एंड वॉट वी डू इन कोविड एंड अपने प्रोडक्ट अपने तब क्या होता था लोगों को फेस योगा के बारे में समझ ही नहीं आता था एंड वर एम ट्राइंग टू डू दिस होल कॉन्सेप्ट लोगों को समझ नहीं आता था उसके बारे में एडुकेट करते करते मैं एक इन्फ्लुएंसर बन गई आई थिंक बट स्टिल आई ओनली प्रोमोट हाउस ऑफ ब्यूटी आई एम नॉट लाइक अ ट्रू इन्फ्लुएंसर जो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप करती mm -hmm. है या प्रमोट करती है आई जस्ट प्रमोट माई नॉलेज वॉट आई नो ट्राइंग टू असिस्ट पीपल एंड टू सो बेसिकली आप एक फाउंडर हो जो, जो इन्फ्लुएंसर बन, बन गए क्या आपको बहुत सारे लोग पारुल गुलाटी से कंपेयर करते हैं क्योंकि उनका भी एक सोर्ट ऑफ इन्फ्लुंसर ड्रीवन ब्रांड है

वेल लेट्स से लेमनेट में टकीला डाल दिया अच्छा बट मुझे लूपस हो गया जब मैं पी आर बिजनेस शुरू कर रही थी दो हज़ार तेरह के आसपास एंड मेरे लिए रोज़ काम पे जाना भी मुश्किल था बिकॉज uh, मेरे एम्प्लॉयज़ यू नो ऑफकोर्स यूर नॉट वेयरिंग मेकअप आपकी स्किन पूरी फट रही है आपके पास यू नो फेस पे पूरे रैशेज है और

अवेयरनेस के लिए यूज करते हैं खैर हमने अवेयरनेस के लिए तो डेफिनेटली नहीं यूज किया वी वेंट देयर फॉर मेंटोरशिप इन रेजिंग ओके बट

एंड अभी आपने कहा था कि शार्क टैंक पे आप अवेयरनेस के लिए नहीं गए थे क्योंकि आपका ऑलरेडी काफ़ी फेमस ब्रांड है एंड आप जेनविनली मेंटरशिप के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए गए थे जब भी कोई शार्क टैंक ऑन और शार्क टैंक पर जाते थे ऑलवेज हैव अ सेट है शार्क्स रियली वॉन्ट एंड समटाइम्स दे हैव की दीज आर द दार्क्स विच आर डोंट रियली वांट तो आपके दिमाग में कौन था वो ड्रीम शार्क कि मेरे को ये चाहिए और कौन था कि ये शायद मेरे को नहीं चाहिए सच बताओ नमिता वॉज माई ड्रीम शार्क

मेरा गोल है दैट एट द एंड ऑफ़ द डे टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ लूपस ऑफ सोराइस ऑफ सो मेनी अदर क्रोजेशिया क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जिसका लोग लोगों के पास कोई इलाज नहीं है बट टुडे वी कैन हेल्प इवन एक्ने एंड पिगमेंटेशन जैसे कंसर्न्स के लिए लोग टॉपिकल स्टेरॉइड्स का बारी 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 यूजेज करते हैं नेचुरल अल्टरनेटिव जो इफेक्टिव है उसको ट्राई किए बिना सो आई डेफिनेटली वॉन्ट टू हेल्प अ सर्टन नंबर ऑफ पीपल बिफोर वी

थीम विच आई सॉ इन द कमेंट सेक्शन वॉज कि विनीता इज नॉट वेरी क्या कहते हैं फ्रेंडली टूवर्ड्स एनी ऑन्थरपोनोर जो ब्यूटी केयर का हो एंड आपको लेके थोड़ा ज़्यादा ही उनका एक रिपल्सिव नेचर था ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं बट मेरे को हल्का सा फील हुआ मे बी फ्रॉम द एक्सप्रेशन या मे बी फ्रॉम द वे शी वॉज गिविंग द फीडबैक एंड कमेंट सेक्शन में भी ये बात लोगों ने बोली थी तो वॉज इट जस्ट कि वो कट करके यूट्यूब पे ऐसा दिखा या फिर एक टेंशन इन द एयर था आई वुड से जो YouTube पे दिखा वो बहुत अच्छा दिखा बट <laughs> okay. uh, जो हुआ देर वॉज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ एंगस्ट जो मुझे फील हुआ एज वेल बिकॉज एक पॉइंट आ गया था वहाँ पे जहाँ पे विनीता बोली जा रही थी बोली जा रही थी दस बार सेम चीज़ की ठीक है मेरी पैकेजिंग अच्छी नहीं है पर मुझे मौका तो दो बोलने का मुझे बताओ इसीलिए तो मैं आई हूँ आपके पास हेल्प मांगने के लिए hmm. कि हमें अगर हमारी पैकेजिंग अच्छी नहीं है अगर हम एक एज अ बूथ स्ट्रैप्ड ऑन्टरप्रनोर कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं तभी मैं शार्क टैंक पे खड़ी हूँ अगर मेरे पास सब कुछ परफेक्ट होता तो मैं आपके पास क्यों आती सो डेफिनेटली काफ़ी मुझे लगा उस टाइम पे भी एंड आई एम एम ग्लैड लोगों को दिख रहा है आई नो पोलिटिकली करेक्ट क्या आंसर है बट हाँ मेरे लिए वहां पे अपना रोना कंट्रोल करना एक पॉइंट के बाद और मुझे बस भागना था शार्क टैंक से कि मैं नेशनल टेलीविजन पे रोना ऐसा क्या हुआ लाइक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑलमोस्ट फेल्ड लाइक क्राइंग ऐसा क्या हुआ इज इट समथिंग जो हमको दिखा नहीं क्योंकि वॉट आई सॉ

जस्टिफाइंग इट इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था जब अनुपम ने कहा कि यह तो एक स्मॉल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यही सॉरी कोई नहीं सो so, यही हमारा हाइड्रा ब्राइट फेस वॉश था जो तो विनीता के हाथ में था इसकी पैकेजिंग उनको पसंद नहीं आई उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक लेबल चिपका हुआ है hmm. अब ऑफ़ कोर्स मैं एक स्मॉल ब्रांड हूँ एक स्मॉल कंपनी हूँ एंड मैं नहीं अफोर्ड कर सकती दस हजार पीसेस की प्रिंटिंग ऑल्सो hmm. हम सोचते हैं कि अंदर जो इंग्रेडिएंट जाए अगर आप उसके बारे में देखेंगे हाइलोरॉनिक सीरम ये जो अर, अरेबिक ओ, 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 Serum ये जो सी अभी भी मैं स्टम्बल कर रही हूँ बात करते करते है, इतना मुझे इनग्रीडियंट वी वॉन्ट टू पुट इन साइड जब मेरा ब्रांड अफोर्ड कर पाएगा दस हजार पीसेस एक बॉटल के अ तो मेरे बॉटल पे भी प्रिंटिंग आ जाएगी True. मेरी पैकेजिंग भी बेहतर हो जाएगी सो so, अनुपम ने बोला अभी कि ये एक स्मॉल ऑल बिजनेस का चैलेंज है hmm. जो बड़ी इजीली ओवरकम हो सकता है okay. बट वो बात वहां खत्म नहीं हुई वहां से बट यू फेल्ट यू फेल्ट कि बार-बार सर्कल बैक होके सेम चीज पे एक बार आपने फीडबैक दे दिया तो बार-बार क्यों उस पे पिंच कर रहे हैं exactly. ऐसा फील था ऐसा फील था एंड उसके बाद बात मेरे डिफरेंशिएटर पे आ गई एक तो मुझे ये नहीं समझ आया जब हम इतने टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं मेरा प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन के लिए है आज की डेट में ऐसा कोई प्रोडक्ट uh, नहीं है मार्केट में जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज एंड सेंसिटिव स्किन विद इश्यू हुए टॉपिक डर्माटाइट रैशेस वाली स्किन पे आप यूज़ कर सको वैसे ऑडियंस को हम केटर कर रहे हैं फेस योगा के मैंने इतने सारे डिवेलप कर दिए एक्सरसाइजेस बट उसके बाद में मुझसे डिफ्रेंशिएटर मांगा जा रहा है मैं पूछती हूँ विनीता से एक लिपस्टिक बेचने में क्या डिफरेंशिएटर है hmm.

फ्रीली बिना वो बाहर के अपनी ओपिनियन देने का जो वहाँ पे तो बस ऐसे लग रहा था कि मैं एक केज में हूँ और मैं यहाँ से निकलना चाहती <laughs> hmm, और जो चीज मैंने कमेंट सेक्शन में देखी थी तो बहुत लोग आपके तारीफ में लिख रहे थे चीज़. It, मतलब दिस इज नॉट रियली क्वेश्चन बट अनदर थिंग आई नोटिस की पीपल बस सें बार बार उनको अटैक किया जा रहा है उनका कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश हो रही है बट उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आप जिस कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे थे जैसे रिप्लाई दे रहे थे एवरी वन वॉज वेरी अप्रीशिएटिव ऑफ दैट एटलीस्ट एंड मैंने एक और चीज़ देखी है समथिंग सिमिलर जो रिकॉर्ड के साथ हुआ समथिंग सिमिलर जो हैमर के साथ हुआ कि जब भी किसी शार्क का कॉम्पिटिटर आता है तो अचानक से थोड़ा सा ना टेंशन इन दर होती है एंड चलो वो शार्क तो इतना अच्छा शायद से इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ना दिखाए

हर पेनी पैसा जोड़ जोड़ के क्लाइंट को एक जेनुअन अच्छा बिजनेस देने की कोशिश कर रही है आ, अगर प्रॉफिटेबल है तो हम आपका पैसा डुबाएंगे तो पक्का से नहीं हम्म फेयर इनफ तो डू यू नाउ थिंक कि अगर आपका एक ऐसा ब्रांड है जिसका कॉम्पिटिटर शार्क है तो आपको जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपको तो वहाँ पे नेगेटिविटी सारी मिल जाएगी एक तो आपका मोरल डाउन ऊपर से जो करोड़ों लोगों के सामने एक नेगेटिव पिक्चर प्रेजेंट हो जाती है ना जैसे आपके ब्रांड के अराउंड करोड़ों के सामने क्या प्रेजेंट हुई कि इनका कुछ डिफरेंशिएटर नहीं है दिस इज वॉट पीपल विल फील क्योंकि स्टोरी लाइन एंड स्टोरी टेलिंग काफी ज्यादा शार्क इन्फ्लुएंस है बिकॉज दे आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर है ना डायनामिकली एंड डायनाडिट होके क्या निकलेगा यू ऑल्सो इवन द दस डोंट नो तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई स्टार्टअप करूंगा एंड शायद शार्क एक कॉम्पिटिटर हो मेरा तो क्या मेरा वहाँ जाना फायदेमंद है भी या उल्टा ये ना हो कि फ़ायदा तो मेरा नहीं नुकसान उल्टा और उठा लिया आई वुड से एक तो वो योगा ने योग ने जो मुझे पावर दी है डिटर्मिनेशन की और आगे बढ़ने की आई विल डेफिनेटली गिव दैट बैक टू योग उसके अलावा कोई भी स्टार्टअप फ़ाउंडर अगर है उसे पता है ये बात कि ठोकरे तो हज़ार ये तो एक ठोकर है ऐसे कितनी ठोकरें हम रोज खाते हैं बट mm -hmm. आप अपना यू कान स्टॉप मूविंग अ है यू कान स्टॉप ट्राइंग बिकॉज दैट इज़ द ट्रू एम्फोसिस ऑफ अ स्टार्टअप राइट कि आपने बारी, बारी 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 लोगों को अपना

पहले तो मेरा थाट प्रोसेस था कि मैं वहाँ से डेफिनेटली फंडिंग लेके आऊँगी बिकॉज मुझे अपने आप में अब लोग इसको एरोगेंस कहे तो मुझे नहीं पता बट एरोगेंस नहीं है ये uh, मुझे ऐसा लगता है कि एक हमने हेल्दी सस्टेनेबल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रूफ ड्रिवन बिजनेस क्रिएट कर दिया है जो hmm. बहुत सारे लोग जैसे आपने मेरे कमेंट्स में भी देखा होगा कि सारे मेरी टीचर्स मेरे कम्युनिटी जो लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट्स मैं नहीं जानती उनको पर वो बारी बारी आके लिख रहे हैं वी सपोर्ट यू वी लव योर प्रोडक्ट्स वी लव एवरीथिंग अबाउट इट ठीक है हम पैकेजिंग इम्प्रूव कर लेंगे पैसा आएगा कितनी छोटी सी बात वो hmm. करना तो बट hmm. अगर अंदर के प्रोडक्ट से उनको रिजल्ट दिख रहा है सॉरी hmm. मैं क्वेश्चन भूल गई बाई डाइग्री कोई बात नहीं यू कैन कीप टॉकिंग दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ क्या क्वेश्चन क्या था आपके मन में जो भी आ रहा है आफ्टर द पिच मेरा ऐसा ब्लैकआउट हुआ मुझे कुछ नहीं याद की वहां पे क्या हुआ सो so, लिटरली जब जनता देख रही थी मैं भी जनता की तरफ पहली बार देख रही थी कि हुआ क्या था एक्चुअली उस शो पे क्योंकि आंसर्स मैंने दिए कंपोज्ड में लगी पर अंदर से मुझे बिल्कुल ब्लैकआउट था हाँ। इतनी घबराहट थी जो मैं छुपा रही हूँ और छुपा रही थी एंड uh, बस Fair enough. That's what happened. तो जो भी ये Shark Tank जब भी कोई एपिसोड आता है तो क्या वो आप लोगों को दिखाते नहीं है पहले कि क्या आने वाला है बिल्कुल भी नहीं दिखाते इट्स ऑल सीक्रेट हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारी पिच नेक्स्ट है लिटरली विदिन दो मिनट वो बताते हैं डोर का है ट्रायल रन है एंड सडनली आप वहाँ जा रहे हो सो इट्स अ कम्प्लीट क्लोज डोर सीक्रेट अफेयर एंड देन हम जाते हैं और हमें पता है आज वाला दिन होगा जब हम जाएंगे hmm. पर क्या हमारा नंबर है हमें नहीं पता अच्छा वॉट एल्स इज देयर जो एज अ व्यूअर शायद से हम लोग को नहीं पता होगा अब अबाउट द होल शार्क टेंग नॉट ओनली अबाउट योर प्रोसेस शार्क टैंक के बारे में ऐसा क्या है जो अब आपने पूरा कर लिया है जो आपको लगता है कि व्यूअर्स को ये नहीं पता बट बिहाइंड द सीन्स ये भी होता है समथिंग या मे बी विच यू डिट नो अर्लियर कि ओ दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट हैपन्स बट मुझे पहले नहीं पता था बड़े परफेक्ट टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो रहा है <laughs> <laughs> जब तक सोच रहे तब तक म्यूजिक चलता है

कि हमारा शो किस दिन एयर होने वाला होता है बस हमें एक हफ्ता दिया जाता है जैसे बहुत सारे फाउंडर्स जो मेरे साथ थे उनको अभी भी नहीं पता कौन सा हफ्ता कौन से दिन एयर होने वाला है मेरा शार्क टैंक एक महीने लाइव जाने क्या आने वाला है क्या दिखाने वाले सो या हमें नहीं पता होता तो so, ये तो होगी शार्कटी बात है थोड़ा सा हम आपके फेस वाले पे तो जब मैंने पहली बार आपसे बात की थी विच वॉज uh, जब आपका पेज आया था तो उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था एंड दिस वॉज कॉल्ड फेस योगा फेस पे भी योगा हो सकता है तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ लाइक

हाउस ऑफ ब्यूटी का एक प्रोटोकॉल है हम फेस स्ट्रेचिंग से शुरुआत करते हैं जो मेरी वन मिनट विभूति मसाज है उसके बाद हम आ जाते हैं फेस योगा कार्डियो पे जहां पे आप मसाज और फेस योगा आसन का एक कॉम्बिनेशन करते हैं हाँ। उसके बाद हम प्राणायामिक ब्रेथ से ऑक्सीजनेशन देते हैं ऑल ओवर द फेशियल मसल्स एंड देन हम कोई फेशियल टूल चिल्ड स्पून से रिलैक्सेशन करते हैं इन मसल्स की क्योंकि चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ रोल रिवर्सल ठीक है <laughs> आपके क्या फीलिंग होती है अगर आप पहली बार बहुत टाइम के बाद एक्सरसाइज करने जिम जाते हैं या करते हैं हाउ डज योर बॉडी नेक्स्ट नेक्स्ट डे डे दो ऑफ़ फीलिंग्स होती है एक तो होता है कि बॉडी में कुछ कुछ मसल्स में पेन होता है क्रैम्प होता है बट एट हाई काइंड ऑफ थिंग एक फ्रेशनेस होती है बिकॉज आपकी ब्लड सर्कुलेशन अब अच्छी हो गई एंड जो आपने मसल सोरनेस के बारे में बात की वही मसल सोरनेस हमारे फेस पे भी आती है और इसीलिए वो ऑक्सीजनेशन कूल डाउन ताकि वो सोरनेस ना आए बहुत जरूरी है एंड दैट इज माई फाइव स्टेप प्रोटोकॉल टू फेस योगा बट फेस योगा से होता क्या है फायदा क्या है फेस योगा से ये फायदा आपके जो एक्ने है आपकी जो पिगमेंटेशन है आपकी स्किन डल है डिहाइड्रेटेड है आप कुछ भी प्रोडक्ट लगा लो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा hmm. यहाँ आपकी झुरियाँ आ रही हैं आज की डेट में बहुत लोग बोटॉक्स करवाते हैं इंजेक्टेबल्स करवाते हैं एक उसका नेचुरल्टिव hmm. है नेचुरली एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए एंड जैसे आप एक्यूप्रेशर करते हो हमारे फेस पे भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जैसे ये पॉइंट हमारे नोज के साइड वाला पॉइंट इज कनेक्टेड टू अ लार्ज इंटेस्टाइन सो हमारे बहुत गैस्ट्रिक इश्यूज कंट्रोल हो सकते हैं फेस योगा से आपको एक ग्लोइंग स्किन तो मिलेगी ही मिलेगी बट एक बैलेंस्ड बॉडी भी मिल hmm. सकती है बट फेस फिर भी अब मेरे दिमाग में जो आपका आंसर सुन के आया लाइक कि इसके तो और भी सोल्यूशन है तो वाई डू आई नीड टू डू फेस योगा स्पेसिफिकली वॉट इज ऑफ दूस आई आई पुट द क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे फेस योगा का डिफरेंशिएटर क्या है फेस योगा का डिफरेंशिएटर है टेक्निक कि आपने वो टेक्निक सही तरीके से की या नहीं की आपने आपकी लिम्फैटिक ड्रेनेज की या नहीं की आज की डेट में मैं बहुत सारे जो अनसर्टिफाइड टीचर्स हैं उनको देखती हूँ वो फेस योगा की मसाज ऐसे ऊपर की तरफ बताती है okay. अब अगर मैंने ऊपर की तरफ मसाज की तो मैंने अपने लिम्फेटिक फ्लूड को जो पफीनेस हमारे फेस के उसको ऊपर लिया यहाँ पे कलेक्ट किया हाँ। और जो मेरी अच्छी एग्जिस्टिंग जॉ लाइन है

सो so, uh, पहले तो यू नीड टू डेफिनेटली रिड्यूस दी एसिडिटी लेवल्स आपने एल्कलाइन रिच फूड्स खाने हैं आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं एसिडिटी होती होगी बहुत पिज्जा जंक uh, खाते हो गए दिस इज वन ऑफ द रीजन वाइल यू नो हम वो नहीं रोक सकते हमें जो खाना है हम जीना तो नहीं छोड़ सकते True. खाओ आपको जो खाना है बट पैरलेली प्राणायाम करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करो hmm. उससे क्या होता है इसमें एक चंद्रभेदी प्राणायाम है वे यू इनहेल थ्रू द लेफ्ट एंड एक्सेल थ्रू द राइट एंड यू जस्ट डू दैट साइकिल आपका एक्ने रिड्यूज हो जाएगा आपकी बॉडी का एक कूल डाउन इनिशिएट हो जाता है या हमारे कान के पीछे ये जो एक पॉइंट है ये एस जे पॉइंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे हमारे फेस का मैक्सिमम स्ट्रेस स्टोर होता है अगर आप इसको तीस सेकेंड तक रोज प्रेस करेंगे आपका एखने रिड्यूज होने लग जाएगा सो hmm. so ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स है फेस योगा की जो आपको काम फेस एंड काम स्किन में हम्म ओह हेल्प करती है फेयर एनफ इंटरेस्टिंग एंड हमने Shark Tank के पिच पे देखा था आई सो दिस ऑन योर इंस्टाग्राम आल्सो कि आपका एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम व्हाट यू लुक लाइक अर्लियर टू व्हाट यू लुक लाइक नाउ तो इसमें भी फेस योगा का कुछ क्रेडिट है या फिर इज देयर सम अदर थिंग विच हेल्प यू विद द ट्रांसफॉर्मेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाइक हाउस ऑफ ब्यूटी बिकॉज़ इंग्रेडिएंट्स मैटर डेफिनेटली एंड all credit to face yoga sculpting आज की डेट में वो जो डबल चिन आपने मेरी देखी hmm. या cheek chisel देखी वो सारा कमाल है फेस योगा टेक्निक्स अच्छा सो आई कैन सी आपका यहाँ पे बहुत डिफाइंड uh, एक cheekbone है तो that, all that is coming from face, face yoga face yoga absolutely so is it safe to say that face yoga can make you more beautiful beauty lies in the eye of the beholder व्यू <laughs> से की है। है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ जो सुंदरता की डेफिनेशन क्या फेस योगा आपको सुंदर hmm. बना देता है? मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि फेस योगा आपको एक कॉन्फिडेंस देता है जो शायद पिगमेंटेशन या आपके जो भी चैलेंजेस हैं hmm. उसकी वजह से आप बाहर इतना नहीं जा सकते या कॉन्फिडेंटली नहीं जा सकते हमारा ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो आपको करेक्टिव uh, गाइडेंस देता है और कहीं ना कहीं आपके वो कॉन्फिडेंस में भी हेल्प करता है फेयर एंड ऑफ अभी आपने बोटॉक्स और फिलर्स की बात की थी एंड आपने पिच में भी बात की थी एंड बोटॉक्स इज अ लॉट तो बोटॉक्स होता क्या एग्जैक्टली बोटॉक्स बेसिकली इज जैसे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है हाँ वही बैक्टीरिया मेडिकली लैब में बनता है और उसको इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है जिससे आपके फेशियल मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं अब बोटॉक्स एक्चुअली इन्वेंट हुआ था पेन मैनेजमेंट के लिए जैसे अगर आपको सर्वाइकल पेन है बहुत ज़्यादा नेक स्टिफनेस है मसल पेन है तो वो मसल को लो डोजेज में वो लार्जर साइज मसल्स है उसको लो डोजेज में पैरलाइज कर देती ताक, ताकि आपकी पेन मैनेज हो जाए आज की डेट में 16 साल की लड़कियां 18 साल की लड़कियां जिनको एजिंग तो शुरुआत ही नहीं हुई अभी तो आप मिडिल एज में भी नहीं पहुंचे हो नहीं। वो बोटॉक्स की इंजेक्शन कर रहे हैं सो अगले कुछ सालों में उनका इतना ज़्यादा मसल डीजेनरेशन साइकिल शुरू हो रहा है एंड दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ बोटॉक्स अगर आप कभी इंजेक्शन के लिए जाओ भी तो अब डॉक्टर्स भी आपसे एक फॉर्म साइन करवाते हैं कि आपकी एक आई टॉसिस हो जाएगा एक आंख छोटी हो सकती है जो तीन महीने से छः महीने लगेंगे ठीक होने में एक आईब्रो ड्रूपी हो सकता है हेड हो सकते हैं एक डिस्क्लेमर फॉर्म साइन करते हैं ऑल की आपकी यहाँ पर जो लाइन्स हैं वो इरेज हो जाए

और यही हाउस ऑफ ब्यूटी बताना चाहता है लोगों को कि आपकी लाइंस दिखे भी पर आप ग्रेसफुली एज हो हमें वो प्लास्टिक ब्यूटी नहीं बनना है एंड दैट इज़ द डिफरेंस आपका एक बहुत बड़ा क्लेम था जो मेरे को लगता है थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो गया क्योंकि नॉट एग्जैजरेटेड बट इट्स स्लाइटली मिसलीडिंग माय ओपिनियन आपने कहा था कि फेस योगा इज एन ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक सर्जरी तो मेरे को फर्स्ट बाद में आई रियलाइज आपका मतलब क्या था बट द फर्स्ट अड आई गॉट इज़ कि मेरे को कैसा भी दिखना हो अगर शक्ल ही बदलनी हो तो फेस योगा इज अ सोल्यूशन क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी से दिमाग में सबसे पहले आता है चेहरा बदल दो जैसे आपने सैंडविच मूवी देखी, देखी है सैंडविच मूवी देखी आपने अच्छा किसी ने देखी है सैंडविच मूवी ओके सो सैंडविच मूवी में उसमें दिखाया था कि प्लास्टिक सर्जरी में जो विलन था उसने हीरो की शक्ल बना ली थी एंड दैट इज़ आई फर्स्ट लेस की वो oh आ वेल प्लास्टिक सर्जरी से मेरा क्या मतलब था इंजेक्टेबल्स थ्रेडलिफ्ट uh, कहीं पे भी जहाँ पे खून ब्लड दिखे बिकॉज आज की डेट में बोटॉक्स और फिलर्स को भी अगर आप नॉर्मल जिस जो बंदा नहीं जानता बोटॉक्स का वर्ड या फिलर्स का इतना ज़्यादा वो तो यही कहेगा ना कि इसने ज़रूर प्लास्टिक सर्जरी है इसने अपना फेस चेंज कर लिया या कुछ चेंज कर लिया तो मेरा एम्फसिस वो था बट

हम फोकस कर सकते हैं जैसे एक टर्म है जहां पे आपको ड्रूपी आईलेड हो जाता है या अगर आप पे को बहुत ज्यादा पफीनेस है यहाँ पे वाटर रिटेंशन हो जाती है उससे भी आपका आईलेड ड्रूपी हो जाता है सो बहुत लोग सर्जरी करवाते हैं यहाँ पे स्टिच करवाने के लिए ताकि आपकी आईलिड ऊपर हो जाए या एंड आंखें बड़ी हो जाए बड़ा दिखे अब वो तो प्लास्टिक सर्जरी ही हाँ है हाँ यही चीज अगर आप फेस योगा की एक सिंपल एक्सरसाइज इस तरह करो अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करो या हमारा 24 के मसाज जिससे नमिता को टिंगलिंग और पता शी कोटेड दैट आई कैन फील द लिम्फैटिक ड्रेनेज एज वेल वो दिखा तो दैट इज अ इजियर रूटीन टू डू एट होम यू वुड नीड द प्लास्टिक सर्जरी इवेंचुअली फॉर करेक्शन Fair enough. I have a very weird question. आई वॉन्ट कि आप मेरे फेस का लाइव एनालिसिस करो एंड यू टेल मी की वॉट आर द थिंग्स विच शुड बी करेक्टेड यूजिंग फेस होगा सो पहले तो मैं हमेशा पूछती हूँ आपका एंड गोल क्या है मेरा एंड गोल क्या है ओके आई बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉन्ट टू हैव अ स्किनियर एंड मोर क्लियर फेस नैचुरली आई फील आई एम ब्लेस्ड विद डिसेंट लुक्स बट द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग थोड़ा साइफ स्टाइल एंड एक्नेथिंग जो मैं पिछले पंद्रह साल से डील कर रहा हूँ आई है वेरी सीजनल मौसम के हिसाब से आते है मेरे तो दीज आर टू थिंग आई कैन सीस इज वेल एंटी फेस वॉश और एक हमारा प्रोडक्ट है एंटी एंटीपिम्पल वाइप सो मिड डे आपने अपने ये जो बैक्टीरिया है इसको न्यूट्रलाइज करना है और अपनी स्किन को उससे वाइप करना है okay. ये आपका टॉपिकली हेल्प करेगा नाओ okay. इंटरनली मैं आपके साथ एक दो फेस योगा एक्सरसाइजेस करवा सकती हूँ mm -hmm. जो आपके एक्ने में भी रिड्यूस आपके एक्ने रिडक्शन में भी हेल्प करेंगे एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन फेशियल स्कल्पिंग जो चबीनेस है उसके आ रिडक्शन में भी हेल्प करेंगे ओके या डू यू वांट टू डू द एक्सरसाइज विद मी श्योर श्योर लेट्स डू दैट लेट्स गो परफेक्ट सो ये दिस इज द फेस वॉश दैट यू डेफिनेटली नीड टू यूज ओके ओके तो ये प्रमोट करने के को पांच लाख रुपए दे रहे हो ना बिल्कुल काफी लोग मेरे को बोल रहे हैं कि कि आप पैसे लेके ला रहे हो कोई भी अभी तक, अभी तक तो कोई भी भी अभी अभी तक तक तो जो एपिसोड आया है, पेड़ नहीं है आप ए, आप भी एक बार बार क्योंकि आगे पेड़ हो सकता है <laughs> शायद मैं ये फ्री में दे दूँ बस थैंक यू सो मच इतनी कम वैल्यू नहीं है हमारे पॉडकास्ट की <laughs> <laughs> मेरी बहुत वैल्यू है प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की वैल्यू है सीखना है नहीं सीखना <laughs> नहीं 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 आई डिड नॉट मीन इट दैट वे आई मीन कि एक बोतल जितनी वैल्यू नहीं है आई थिंक ब्रांड का वन परसेंट <laughs> जो आपने आपने हस्बैंड को वन दिया था तो एक आप मेरे को भी दे दो एक हस्बैंड है वो मेरा आग... और वन परसेंट <laughs> नहीं वन शेयर दिया one share, let me correct you तो पता चल गया मैं कितनी बड़ी कंजूस हूँ

ऊपर करना है बस ये वाला पार्ट हाँ बस ये वाला पार्ट मीडियम टू फर्म प्रेशर वन टू थ्री अब यहां पे स्माइल कीजिए और यहां wow. से अपने वाव wow. <laughs> नहीं बोला यहां से टेम्पल्स तक लिफ्ट करो वन टू थ्री ओके ओके नाउ टेक सम ऑयल इनटू योर नकल्स इनटू योर नकल्स एंड बेंड योर इंडेक्स फिंगर या प्लेस इट हेयर आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए सो आई दिस इज द डिफ्रेंशिएटर द टेक्निक द करेक्शन या मम योर लिप्स योर चीक्स ट्विस्ट एंड आई यू टू डू दिस ट्वेंटी टाइम्स नो सो आपने ये करना है एंड देन टेम्पल पे जाके ट्विस्ट करना है हेयर लाइन तक नहीं जाएंगे हम ठीक है गाइज जितने मैं ये बात कह रहा हूँ तब तक संदीप भाई का एक मैसेज है वो सुन लो मैं सभी वर्स को बोलना चाहूंगा कि भाई के चैनल को फॉलो करना सब्सक्राइब करना और इनका एक बेल आइकन होता है आ, उसको बजाना मतलब ये बेल आइकन इसलिए मेरे को याद है कि जितने भी मैं देखता था ना हर कोई पहले बोलता था भाई सब्सक्राइब कर लिया पर बेल आइकन नहीं दबाया तो भाई का आयुष्मान पंडिता का चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड रिलैक्स आगे ने खत्म ग्लो शुरू तो जैसे हाथ में हल्का सा ऑयल है इज इट सेफ कि पूरा लगा दो हाँ, यार नहीं। so, so उसके लिए भी मेरी टेक्निक है जैसे फोरहेड पे आपने ऑपोजिट स्वाइप करने हैं इस तरह अच्छा तो आपका लिम्फेटिक फ्लो भी शुरू हो जाएगा और ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है अच्छा, यही करना यही तो प्रॉब्लम है इससे क्या हो रहा है

फर्स्ट कम्स द प्रोडक्ट बिजनेस वेर आपको रोज फेस वॉश करना है hmm. आपको रोज एक सनस्क्रीन लगानी है वो कौन सी है वो कैसे लगानी है आपको हमारे प्रोडक्ट सिखाते हैं जैसे मैंने आपको रूटीन दिखाई अगर आपने मेरे साथ फेस योगा नहीं सीखा अगर आपने हमारा फ्री यूट्यूब फेस योगा ट्यूटोरियल नहीं देखा डजेंट hmm. मैटर आपने कुछ तो मॉइस्चराइजर लगाना है True. हम यहाँ पे क्यू आर कोड देते हैं आप स्कैन करो एक फ्री फेस योगा टेक्निक आप घर पे बैठे बैठे अपने वॉशरूम में बैठे बैठे कर सकते हो सो दैट इज हाउ वी हैव इंटीग्रेटेड द फेस योगा पार्ट टू द हाउस ऑफ ब्यूटी ब्रांड इसके अलावा मैं एक अकेली सिंगल पर्सन तो इसके आ, इसको सबको नहीं समझा सकती जैसे आपकी एक कंफ्यूजन है वैसे हजारों लोगों की लाखों लोगों की वी आर सच नेशन इतनी कंफ्यूजन है hmm. वो विजन कहीं ना कहीं हमारी टीचर्स जो फेस योगा सीखती हैं hmm. उसमें हेल्प करती है अब वो फेस योगा टीचर्स हाउस ऑफ ब्यूटी का ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता आप घर पे बैठे बैठे नारियल तेल से भी कर सकते हो बट करना कैसे है आपने फेस योगा कैसे करना है वो सिखाती है सो दीज आर टू वेरी सेपरेट रेवेन्यू बिजनेस दीज आर टू वेरी सेपरेट एंटिटीज I have combined them together mm -hmm. और हर लड़की लड़का हर चीज सिर्फ घर पे नहीं करना चाहता महीने में एक बार साल में एक बार आप बाहर जाना चाहते mm -hmm. हैं एक रिलैक्सिंग फेशियल इंजॉय करना चाहते हैं तो वहाँ पे या खरीदने से पहले ट्राई करना चाहते हैं वहाँ पे हमने ये वेलनेस सेंटर का यू नो वहाँ पे हमने ये वेलनेस सेंटर लॉन्च कर दिया है okay. ताकि आप आए एक्सपीरियंस करें वो हर फेशियल में हमारी जो हाथों की डिफ्रेंशिएटर टेक्निक्स है hmm. हमने यूज किए कि hmm. अब आप रिलैक्स कर सकते और ये फेशियल्स बहुत अलग है आपकी पूरी बॉडी को स्टिम्युलेट करते hmm. हैं so सारे प्रोडक्ट्स का बताया एंड एज अ कंज्यूमर इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी कि मैं ये वाला लगाऊ कौन से प्रोडक्ट्स लगाऊ फिर कौन से ब्रांड के लगाऊ अगर मैं आपको पूछू मेरे जैसे एक एवरेज मेल को या किसी एवरेज फीमेल को कौन से बेसिक स्किन केयर रूटीन्स फॉलो करने चाहिए आई वुड से दैट क्लेन्जिंग व्हिच इज योर फेस वॉश आपको एक थ्री स्टेप अप्रोच करना चाहिए फेस वॉश फेस ऑयल या क्रीम जो आपका मॉइस्चराइजर हो गया स्किन टाइप के हिसाब से एंड आपको एक सनस्क्रीन यूज करना चाहिए फेस वॉश एंड क्रीम आपने सुबह शाम दोनों टाइम सेम यूज करना है एंड okay. सनस्क्रीन आपने दिन में यूज करना हो गई आपकी स्किन केयर इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड सो जो मेरी पैकेजिंग के बारे में बारी बारी बोल रहे हैं मैंने mm -hmm. थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट्स को कलर कोड किया है अगर आप 16 से 25 साल के हैं और आपको नहीं समझ आता क्या यूज करना है आप हमारी ब्लू लाइन यूज कर लो सो इट्स अ नो ब्रेनर अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है आप हमारी ग्रीन लाइन यूज कर लो इट्स अ नो ब्रेनर अगर आपको

हेक्टिक वर्क लाइफ है स्ट्रेसफुल लिविंग है माइंड स्विच ऑफ नहीं हो पाता तो हमारे यहाँ हमने बहुत ज्यादा देखा कि लोग आ रहे हैं विद एंगजी स्ट्रेस इश्यूज स्विच ऑफ इश्यूज डिजिटल स्विच ऑफ इश्यूज वहाँ पे हमने एक फेशियल क्यूरेट किया कि आपने बस वो कुकून में सोना है या उल्टा लटकना है आपके ब्रेन पे इतना ब्लड फ्लो जाता है कि आप इमीडिएटली ब्लैंक आउट हो जाते हैं अच्छा कॉन्स्टेंटली साउंड थेरेपी हो रही है

जस्ट अराउंड योर बट एरिया नहीं इतना नहीं यू नीरफेक्ट नाउ गो डाउन ऑल द वे यहाँ से अंदर से लाओ और रैप कर दो अच्छा अटका oh. दो फर्स्ट फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना हाँ नाउ ट्राई पेन हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी मतलब I mean, ओके okay. इसमें पेन होती है सो द क्लॉथ अब वही पांव की पोजीशन नहीं अंदर से बाहर हाँ परफेक्ट ठीक है छोड़ दो नीचे आ जाओ ओके कम अप कम अप अगेन वेरी गुड डू यू सी मी ओके ठीक है ये जो क्लॉथ है ना ये पूरा हमने अपने शोल्डर में शोल्डर तक आपने कुकून कर लिया ठीक okay. है ओके देन द सेम थिंग

अपने एल्बो को अंदर uh, लाओ एल्बो को अंदर लाओ एल्बो को बॉडी कर्व है uh, वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए नेक को नीचे की तरफ गिराओ एंड नमस्ते करो क्विकली फोटो के लिए हो गई गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल आई हैव एवर बीन व्हाइल शूटिंग अ वीडियो एंड जितने ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतनी देर तक मैं बैठा रहूंगा एंड डू द चाइल्ड पोज just go down no no sit on sit on your heels first sit on your heels first uh, like this that's i'm a very bad student now. now go all the way down put your forehead down this is for his brain uh, blood flow to come back to normalcy we're supposed to